Assalamualaikum guys, I'm here with a very important and moral lessons. My moral lesson is relating to mismanagement of human resources. And one of the most responsible factors for this blunder is lack of education in Pakistan. For improving the literacy rate, I request to the parents of rural areas, parents of remote areas, parents of backward areas, that they must send their children to schools, because education is the most powerful weapon which you can use to change the world. No country, no society, no family, even then no city can progress well unless its citizens are educated. This is where we need to go. We should have to inform those parents who consider that education is a fruitless. It is highly a fruitful, और मैं कहता हूँ education के मतबादल कोई ऐसा जेवर नहीं है हमारी upcoming generations के पास कि जो उनकी किस्मत को, जो उनकी फेट को, जो उनकी तकदीर को बदल दे, और इसमें हमारे मुल्क का, कौम का फ़ायदा है. टुडे पाकिस्तान स्टैंड्स एट द क्रॉस रोड्स वेयर देयर इज एन अर्जेंट नीड्स ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर पाकिस्तान. तो हमारे यहाँ जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो हमारे लोग हैं, उनकी मेंटेलिटी, आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी, टेक्निकली और महारत के तौर पे दे आर टू मच स्ट्रॉन्ग. प्रॉब्लम क्या है? दे आर फेसिंग थ्री प्रॉब्लम्स. वन, उनको ये आइडिया नहीं है, उनके पेरेंट्स को, कि एजुकेशन फ्रूटलेस है या फ्रूटफुल है. हमें इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है, हमें उनको अवेयर करने की ज़रूरत है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, फिर हमारा जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं. दूसरा जो फैक्टर्स है, दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ रिसोर्सेज. उस पर हमें उनको हेल्प करना है, उनको इनक्रेज करना है, उनको बूस्ट करना है, फाइनेंशियली उनको स्ट्रॉन्ग करना है. तीसरा फैक्टर्स है लैक ऑफ अटेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट को प्रायोरिटी बेसिस पे ये जो एजुकेशन है, ये हेल्थ है, इसको प्रायोरिटी बेसिस पे लेना चाहिए. नो डाउट्स हमें इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, कंफर्टेबल जीटी रोड्स, जो लग्जरियस मोटरवेज हैं, इनकी ज़रूरत है. लेकिन इनसे बढ़ के जो टॉप प्रायोरिटी पे हमें ज़रूरत है, ओनली ओनली एजुकेशन है. इन शॉर्ट, एजुकेशन इज़ अ की टू सक्सेस. देयरफॉर द गवर्नमेंट शुड गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू एजुकेशन इन इट्स नेशनल एजेंडा. मोर फंड शुड बी एलोकेटेड टू दिस डिपार्टमेंट्स. और उसमें सम सीरियस एफर्ट्स नीड टू बी मेड्स, कि जब फंड्स इस डिपार्टमेंट को मिलते हैं, उन फंड्स के अंदर जो करप्शन है उसको टैकल किया जाए, उसको रिजिस्ट किया जाए. और हमें ये चीज़ एट द एंड रियलाइज करनी होगी कि आई एम हेयर टू पुट द ब्यूटीफुल कोट्स ऑफ कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, दैट कम फॉरवर्ड एज द सर्वेंट्स ऑफ इस्लाम एंड ऑर्गेनाइज द पीपल सोशली, पोलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली, एंड आई एम श्योर दैट यू विल बी अ पावर दैट विल बी एक्सेप्टेड बाई एवरी वन. दिस इज़ वेयर वी नीड्स टू गो. लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. अपनी दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.